जा रही है औरों भी घूमने। हाँ अले अले अले। तो बहुत शांत एरिया है, एकदम घने पेड़ों के बीच में छायादार रास्ता। पासेस टू मातृ मंदिर व्यूइंग पॉइंट। फर्स्ट वी हैव टू टेक पासेस, देन वी कैन विजिट मातृ मंदिर। एक्चुअली दिस इज द वे टू रीच मातृ मंदिर, सो फ्री पासेस आर अवेलेबल हियर। एंड दिस इज वीडियो रूम इनसाइड। हियर वी कैन सी द प्रोसेस of making this horrible ashram. So this is the model of Matri Mandir. We can see out from outside, and this is the structure from inside. कुछ तो साइंटिफिक है इसमें, जिस तरह से इसके स्ट्रक्चर है। टू विजिट दिस वर्ल्ड फेमस मातृ मंदिर वी कैन टेक पासेस फ्रॉम दिस काउंटर। तो इस तरह से ये पासेस मिलते हैं, फ्री पासेस। और ख़ास बात क्या है, कुछ व्हीकल्स भी हैं यहाँ पे। अगर कोई छोटा बच्चा है और फीमेल है तो उनको ये व्हीकल अंदर लेके जाते हैं। और हम लोग जाते हैं अंदर मातृ मंदिर बीइंग पॉइंट। ये एरो का मार्क है, यहाँ से एक तरह से कह सकते हैं एंट्रेंस है। ये श्री अरविंदो का ये पिक्चर है, सेलिब्रेटिंग द 150th बर्थ एनिवर्सरी, जो लास्ट महीने में था। तो अंदर एक अलग सा नज़ारा है, और पैदल चलने में बड़ा सुकून लग रहा है क्योंकि काफ़ी हरियाली है। और रास्ते में मिल रहे हैं कोकोनट। नीरज भाई मजा लेते हुए नारियल का। हाँ, नारियल कंपेरेटिवली सस्ता है यहाँ पे। नॉर्थ इंडिया में 50-60 मिलता है, यहाँ पे 30 रुपीज़ का मिलता है, बट आश्रम में पता नहीं कितने का मिलता है। बीच में कला केंद्र, विजुअल सेंटर है, रिसेप्शन, परमानेंट एग्जीबिशन, वीडियो रूम, आर्ट स्टूडियो, आर्ट रेजिडेंसी, आर्ट गैलरी और अन्नम किचन। तो खाने पीने का भी रास्ते में इंतजाम है, साइन मिलेंगे और इनको ही आपको फॉलो करके जाना है। यहाँ पे मातृ मंदिर, सावित्री भवन, यूनिटी पवेलियन एंड भारत निवास। रास्ते में हैंडीक्राफ्ट की भी शॉप है। मातृ मंदिर के पास एक बरगद का पेड़ जो बहुत पुराना है, इसमें जो भी ब्रांचेस देख रही है, अलग अलग पेड़ नहीं है, सारी इसी की जड़ें हैं। इतना विशाल पेड़ है। ओहो,
ये एक ही पेड़ है और काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। और इसकी जड़ें हैं हम्म, जो ऊपर से आई है। यहाँ से दिखता है इसका फर्स्ट व्यू टेंपल का। फाइनली हम लोग हैं मातृ मंदिर के पास और सामने यहाँ पर विजिटर्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है एमपी थिएटर के बारे में। जब ये बना इसकी हिस्ट्री 20 फरवरी 1968 को इनाग्रेशन हुआ है। इन द बनियान ट्री जो रास्ते में हम लोगों को मिला था काफ़ी बड़े साइज़ में है। 1965 के अंत तक ऑरोविल के केंद्र का निर्धारण का समय आ पहुँचा था। पुदुचेरी के उत्तरी क्षेत्र के मानचित्र के सामने बैठी हुई माता जी ने ध्यान किया और एक विशेष स्थान को इंगित किया। वास्तुकार रोजे ऑनजे ने देखा कि वहाँ एक बट वृक्ष है जो भारत में पवित्र माना जाता है। बंगाल की खाड़ी निहारता है एक पूर्णतः बंजर और पठारी स्थान। माताजी ने उसे ही ऑरोविल का भौगोलिक केंद्र बनाने का निर्णय लिया। यह बट वृक्ष फिकस बैंगलेंसिस 100 वर्ष से भी अधिक पुराना होगा। बट वृक्ष की एक अद्भुत विशेषता होती है, इसकी शाखाएं जमीन की ओर बढ़ती हुई जड़ पकड़ती हैं और एक नए तने का रूप धारण कर लेती हैं। इस बट वृक्ष का घेरा लगभग 50 मीटर तक सीमित रखा जाता है। तो ये हिस्ट्री भी साथ में लिखी है 12 गार्डन्स। तो जो ये मातृ मंदिर बना है, माता जी ने जो भी निर्देश दिए हैं वो सारे कुछ यहाँ पे लिखे हैं। तो 21 फरवरी 1971 को ये मातृ मंदिर की नींव का इनाग्रेशन हुआ था। और लेक के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है। तो ये सामने है मातृ मंदिर जो ध्यान और आध्यात्म का अद्भुत केंद्र है। तो काफ़ी दूर है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं क्योंकि अंदर जाने की परमिशन नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ये खुलता है और पहले से प्री बुकिंग करनी होती है। तो यहाँ पे एक साइड है, उसी में सब लोग बैठ के देख रहे हैं इसको। मातृ मंदिर है और करीब हमने कार पार्क की, वहाँ से 15 से 20 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। दोपहर का समय है तो उतने ज़्यादा लोग नहीं है, सुबह सुबह और शाम को ज़्यादा लोग आते हैं। और इसके चारों तरफ कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, लेक वगैरह का। तो बहुत ही सुंदर जगह है और इसको एक्सपीरियंस करेंगे कभी बुकिंग करके इसके अंदर जाके। तो जैसे हम लोगों ने मॉडल देखा था एंट्रेंस गेट पर, इसके सेंटर में जिस तरह से इसका आर्किटेक्चर है ना, तो वो कहीं ना कहीं जो शाश्वत ऊर्जा है उसके साथ इंसान को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। तो आध्यात्म के लिए ये काफ़ी अच्छी जगह है, ध्यान के लिए स्पेशली। और चारों तरफ हरा भरा सा वातावरण है, गार्डन्स हैं, बहुत ही पीसफुल जगह है। हम बहुत चाहते थे कि हम अंदर विजिट करें लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि टाइमिंग 9 to 11 अप्रॉक ही है। बट एक दिन कभी हम आएंगे इसको विजिट करने और आपको अंदर का व्यू भी दिखाएंगे क्योंकि हम लोग तो पौंडीचेरी में ही रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। स्कूल के बच्चे आए विजिट करने और हम लोग विजिट करके जा रहे हैं बाहर।